लेट्स डू क्वेश्चन नंबर ऑफ एक्सरसाइज दैट इज सिंपल इक्वेशन क्वेश्चन नंबर इज सॉल्व द फॉलोइंग हमें ये सॉल्व करनी है ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपके क्लास टेंथ तक काम आएगा तो प्लीज इसको फर्स्ट एक्सरसाइज से जरूर देखें आर एस अग्रवाल सोल्यूशन आप मेरी साइट डब्ल्यू 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 डॉट ई लर्न मैथ डॉट इन पे देख सकते हैं चलिए फर्स्ट पार्ट लिख लेते हैं अपना ए पार्ट है हमारा टू वाय प्लस फाइव अपॉन टू इक्वल्स टू थर्टी सेवन अपॉन टू तो देखिए इस टाइप की इक्वेशंस कैसे सॉल्व करते हैं वेरिएबल हमें पता है ये वेरिएबल होता है कोई भी एक्स वाई ए बी सी कोई सी भी अल्फाबेट क्या होता है वेरिएबल कहलाता है राइट तो वेरिएबल वाली वैल्यू कौन सी हुई अगर इस वेरिएबल के साथ कांस्टेंट अटैच है तो भी ये पूरी क्या कहलाएगी वेरिएबल वाली वैल्यू कहलाएगी अब वेरिएबल वाली वैल्यू तो लेफ्ट साइड रख लीजिए और बाकी सारी वैल्यू दूसरी तरफ पहुंचा दीजिए तो हमने क्या किया टू वाई तो अपनी जगह रखा और थर्टी सेवन अपॉन टू तो राइट हैंड साइड था देखिए फिर से बता रही हूँ ये इक्वल टू है इक्वल टू की ये वाली साइड लेफ्ट साइड है और ये वाली राइट साइड है टू वाई तो अपनी जगह रखा थर्टी सेवन अपॉइंट टू राइट हैंड साइड ही रखा लेकिन फाइव अपॉइंट टू हम लेफ्ट साइड से ये लेफ्ट साइड पे है इक्वल टू के लेफ्ट साइड से राइट हैंड साइड पहुंचा देंगे और जब भी ये कोई भी वैल्यू लेफ्ट साइड से राइट हैंड साइड या राइट right साइड से लेफ्ट हैंड साइड जाती है तो उसके साइन चेंज हो जाते हैं तो जैसे यहां ये प्लस का है फाइव अपॉइंट टू राइट हैंड साइड जाके माइनस का हो जाएगा फाइव अपॉइंट टू राइट अब जैसे हम ये वैल्यू लेफ्ट साइड से राइट हैंड साइड लेके गए हैं इसी तरीके से हम कोई भी वैल्यू राइट साइड से लेफ्ट साइड भी ला सकते हैं तो उसका भी साइन चेंज हो जाएगा अब मैं अगर ये वाली वैल्यू वापस इधर लेके आऊंगी तो ये प्लस की बन जाएगी क्यों क्योंकि ये यहाँ पे माइनस की है राइट right? अब देखिए इस पार्ट को हमें सॉल्व करना है ये या तो आप यहीं पर सॉल्व कर लीजिए या अलग भी सॉल्व कर सकते हैं तो मैं यहाँ करके दिखा रही हूं ये हम पास्ट क्लासेस में और पास्ट चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं कि डिनोमिनेटर में जब वैल्यू होती है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं तो देखिए नीचे दोनों के सेम वैल्यू है टू तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा टू ही आ जाएगा अब जब दोनों के नीचे सेम वैल्यू है और एलसीएम भी सेम है तो ऊपर की वैल्यू एज इट इज लिख देते हैं तो ये आ गई थर्टी सेवन माइनस फाइव ऊपर की वैल्यू एज इट इज लिख दी और बीच में माइनस साइन लगा दिया आप थर्टी सेवन में से फाइव गया तो हमें पता है थर्टी टू आता है अपॉन टू एज इट इज तो यही लिख देंगे हम यहाँ पे टू वाई इक्वल्स टू आप चाहें तो ये स्टेप्स यहाँ पर भी कर सकते हैं राइट मैं यहाँ पे करके दिखा देती हूँ देखिए यहाँ पे टू आ गया थर्टी सेवन माइनस फाइव एज इट इज आ गया अब टू वाई इक्वल्स टू थर्टी सेवन में से फाइव गया इज थर्टी टू अपॉन टू अब आगे कैसे करेंगे अब ये कैंसिल हो सकता है ऊपर नीचे तो कैंसिल कर देंगे टू वन जो टू टू वन जो टू टू सिक्स जो ट्वेल्व तो वैल्यू क्या आ गई टू वाई इक्वल्स टू अब इधर देखिए ये दोनों वैल्यूज कट के क्या बच गया सिक्सटीन तो नीचे क्या लिख देंगे सिक्सटीन ही लिख देंगे अब y की वैल्यू क्या आ जाएगी y की वैल्यू क्यों देखिए ये टू वाई की वैल्यू सिक्सटीन है अब y की वैल्यू निकालनी है तो ये टू क्या है y के साथ मल्टीप्लाई में तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई का ऑपोजिट डिवाइड होता है डिवाइड का ऑपोजिट मल्टीप्लाई होता है प्लस का ऑपोजिट माइनस और माइनस का ऑपोजिट प्लस होता है तो ऑपोजिट साइन हो जाएगा तो ये आ गया सिक्सटीन डिवाइडेड बाई टू तो आप कैंसिल हो सकते हैं ऊपर नीचे ये दोनों वैल्यूज तो कैंसिल कर देंगे तो टू वन ज टू टू एट ज सिक्सटीन कितना बज गया एट बज गया तो हमारा वाई की वैल्यू आ गई एट तो हमें सॉल्व करना है इक्वेशन मतलब हमें इस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है जो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है तो वाई इक्वल्स टू एट इज द आंसर लेट्स डू बी पार्ट नाउ अब बी पार्ट लिख लेते हैं बी पार्ट दे रखा है हमें फाइव टी प्लस ट्वेंटी एट इक्वल्स टू टेन आप देखिए वेरिएबल वाली टर्म कौन सी है फाइव टी और कांस्टेंट टर्म कौन सी है ट्वेंटी एट इधर की साइड लेफ्ट साइड पे तो ट्वेंटी एट को हम कहाँ ले जाएंगे राइट हैंड साइड तो फाइव टी तो एज इट इज टेन अपनी जगह राइट हैंड साइड पे और क्योंकि ट्वेंटी एट लेफ्ट साइड से राइट हैंड साइड आया है तो प्लस का था तो आप हो जाएगा माइनस का अब फाइव टी फिर से एज इट इज अब ये दोनों वैल्यूज कांस्टेंट हैं तो एक प्लस की एक माइनस की है तो आपस में क्या होगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगी और साइन माइनस का लग जाएगा क्यों क्योंकि बड़ी वैल्यू माइनस की है आपस में सब्ट्रैक्ट हो गई और साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग गया तो ये कितना आ गया ट्वेंटी एट में से टेन गया इज एटीन लेकिन माइनस का अब टी फाइव टी की वैल्यू माइनस एटीन थी तो फाइव की क्या हो रही है मल्टीप्लाई हो रही है टी में तो अब दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा डिवाइड तो माइनस एटीन डिवाइड में आ गया फाइव अब ये दोनों वैल्यूज कट नहीं सकती तो दैट्स वाई दिस इज द आंसर लेट्स डू सी पार्ट नाउ सी पार्ट इज ए अपॉन फाइव प्लस थ्री इक्वल्स टू टू तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे अब देखिए ए अपॉन फाइव में है तो ये पूरी टर्म वेरिएबल की मानी जाएगी और ये थ्री कांस्टेंट का तो ये उधर जाके का, का हो जाएगा माइनस का कांस्टेंट हो जाएगा तो ए अपॉन फाइव तो एज इट इज टू अपनी जगह रहा क्योंकि प्लस लेफ्ट साइड से राइट हैंड साइड जा रहा है तो माइनस का हो जाएगा अब ए अपॉन फाइव एज इट इज अब क्योंकि एक वैल्यू प्लस की एक माइनस की है तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो थ्री में से टू ग्री माइनस का है थ्री बड़ी वैल्यू है तो माइनस का साइन लग जाएगा अब देखिए वेरिएबल के साथ डिवाइड डिवाइड में तो का ऑपोजिट क्या होता है मल्टीप्लाई तो फाइव उधर चला जाएगा तो क्या का हो जाएगा मल्टीप्लाई का हो जाएगा राइट तो अब इसको क्या लिख सकते हैं ए इक्वल्स टू माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय फाइव तो ए की वैल्यू कितनी आ गई अब देखिए माइनस प्लस माइनस और फाइव वन फाइव तो ए की वैल्यू आ गई माइनस फाइव इज द आंसर लेट्स नेक्स्ट पार्ट इज क्यू अपॉन फोर प्लस सेवन इक्वल्स टू फाइव देखिए क्यू के साथ फोर अपॉन में तो ये पूरी क्या हो गई वेरिएबल टर्म तो ये सेवन उधर जाके का, का हो जाएगा माइनस का तो q अपॉन फोर इक्वल्स टू फाइव माइनस सेवन तो ये कितना आ गया क्यू अपॉन फोर और क्योंकि एक वैल्यू प्लस की है माइनस की है तो आपस में सब ट्रैक्ट हो गई सेवन में से फाइव गेस टू लेकिन सेवन माइनस का था तो टू भी माइनस का हो जाएगा अब फोर डिवाइड में है तो उधर जाके कहा का हो जाएगा मल्टीप्लाई का इधर आके तो क्यू इक्वल्स टू माइनस टू मल्टीप्लाइड बाई फोर तो Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी Q आ गया हमारा Q इक्वल्स टू फोर टू ज एट लेकिन माइनस का तो माइनस एट इज द आंसर लेट्स यू ई पार्ट नाउ ई पार्ट इज फाइव अपॉन टू एक्स इक्वल्स टू टेन तो ये कैसे होगा तो देखिए अब ये दोनों टर्म्स वेरिएबल के साथ हैं और जब भी ऐसे होता है और एक वेरिएबल होता है तो देखिए मैं इधर करके दिखा रही हूँ फाइव अपॉन टू एक्स है तो ये जब राइट हैंड साइड पे जाएगा तो ये तो ऊपर चला जाएगा और ये फाइव नीचे आ जाएगा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं राइट हैंड साइड जाके टू अपॉन फाइव तो एक्स तो अपनी जगह रहा टेन अपनी जगह रहा तो टू तो मल्टीप्लाई में आ गया क्योंकि ये टू ऊपर चला गया और फाइव डिवाइड में आ गया क्योंकि ये five नीचे आ गया राइट right? अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे तो देखिए तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई टू इंटू टू तो ये कितनी आ गई एक्स की वैल्यू फोर इज द आंसर ध्यान रखिएगा जब भी ऐसे अपॉन वाली टर्म होती है और वेरिएबल के साथ सिंपली मल्टीप्लाई होता है और कोई डिजिट नहीं होती तब हम नीचे वाली वैल्यू ऊपर इक्वल टू के और ऊपर वाली वैल्यू नीचे इक्वल टू के ले आते हैं लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ एफ पार्ट इज फाइव अपॉन टू एक्स इक्वल्स टू ट्वेंटी फाइव अपॉन फोर देखिए एक्स के साथ अपॉन वाली टर्म है सेम केस जैसा हमने लास्ट पार्ट में किया था वैसे ही करेंगे तो x तो अपनी जगह रहा ट्वेंटी फाइव अपॉन फोर अपनी जगह रहा इन टू टू तो मल्टीप्लाई में आ गया और फाइव डिवाइड में चला गया तो अब आप, आप कहेंगे इन दोनों के बीच में कौन सा साइन होगा सेम मल्टीप्लाई का ही साइन होगा तो मैंने ऊपर मल्टीप्लाई लगाया इन दोनों के बीच में भी मल्टीप्लाई हो गया अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देते हैं फाइव वन जा फाइव 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 जी ट्वेंटी फाइव टू वन जो टू 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 ज फोर तो एक्स की वैल्यू क्या बच गई एक्स इक्वल्स टू ऊपर फाइव बज गया और नीचे टू क्योंकि ये वन था बाकी तो फाइव वन सा फाइव ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई हो गई और नीचे की नीचे तो फाइव अपॉन टू इज द आंसर लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ जी पार्ट एस सेवन एम प्लस नाइनटीन अपॉन टू इक्वल्स टू थर्टीन अब देखिए अपॉन की वैल्यू वेरिएबल के साथ नहीं है तो ये पूरी वैल्यू कहाँ जाएगी उधर जाएगी तो अब जब ये वैल्यू उधर जाएगी तो ये ऊपर ये नीचे नहीं जाएगी ये तब होता था जब वेरिएबल के साथ होती थी राइट right? तो ये वेरिएबल के साथ प्लस में है हमने वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में पड़ी थी ये वैल्यू तब होती थी वो चीज राइट right? अब ये प्लस में है तो उधर जाके की हो जाएगी ये प्लस साइन चेंज हो जाएगा लेकिन ये नाइनटीन अपॉन टू एज इट इज रहेगा तो देखिए एम इक्वल्स टू थर्टीन एज इट इज और नाइनटीन अपॉन टू माइनस का हो गया तो देखिए ये नाइनटीन अपॉन टू ही रहा लेकिन प्लस का साइन माइनस का हो गया अगर ये इस वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में होता तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाती राइट अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे आप चाहें तो अलग भी कर सकते हैं आप चाहें तो यहीं सॉल्व कर सकते हैं तो देखिए इसके नीचे थर्टीन के नीचे कुछ नहीं है तो वन मान लेते हैं अब वन और टू का एलसीएम लेंगे तो टू ही आएगा तो मैंने डायरेक्टली टू लिख दिया है देखिए अब इसके नीचे वन है तो थर्टीन एज इट इज की किससे मल्टीप्लाई करूं कि टू आ जाए वन टू ज टू तो टू से मल्टीप्लाई हो गई माइनस नाइनटीन एज और हमें पता है टू वन ज टू टू की वन में मल्टीप्लाई करेंगे तो टू आ जाएगा तो अब ये क्या आ जाएगा सेवन एम इक्वल्स टू ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई इन दोनों की मल्टीप्लाई हो रही है थर्टीन टू जा ट्वेंटी सिक्स नाइनटीन वन जा नाइनटीन अपॉन टू तो सेवन एम की वैल्यू कितनी आ गई ट्वेंटी सिक्स में से नाइनटीन गए सेवन अपॉन टू अब देखिए ये एम के साथ इस सेवन की मल्टीप्लाई हो रही है तो ये कहाँ आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा तो एम कितना आ गया सेवन अपॉन टू एज इट इज और मल्टीप्लाई इसके नीचे सेवन के नीचे कुछ नहीं है तो आप वन मान सकते हैं तो वन अपॉन सेवन हो गया राइट अब जो कैंसिल होता है ऊपर नीचे की वो कैंसिल हो सकता है तो सेवन से सेवन कैंसिल हो गया क्योंकि सेवन वन सा सेवन तो m की वैल्यू कितनी आ गई ऊपर वन बज गया नीचे टू बज गया तो वन अपॉन टू इज द आंसर लेट्स यू नेक्स्ट पार्ट नाउ h पार्ट इज सिक्स जेड प्लस टेन इक्वल्स टू माइनस टू तो सिक्स जेड इक्वल्स टू अब देखिए माइनस टू एज इट इज रहेगा टेन प्लस का है उधर जाके माइनस का हो जाएगा माइनस टू माइनस टेन अब देखिए सिक्स जेड एज इट इज और दोनों वैल्यूज जब माइनस की होती हैं तो आपस में ऐड हो गई टेन प्लस टू इज ट्वेल्व और साइन माइनस का लग जाएगा क्योंकि दोनों वैल्यूज माइनस की थी अब z के साथ सिक्स की मल्टीप्लाई थी तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो डिवाइड में आ गया सिक्स अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे सिक्स वन जो सिक्स सिक्स टू ज ट्वेल्व तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस ये वाला माइनस और टू तो माइनस टू इज द आंसर लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ आई पार्ट इज थ्री एल अपॉन टू ई टू टू अपॉन थ्री तो देखिए यहाँ पे थ्री अपॉन टू की इस वेरिएबल के साथ क्या है Multiply है थ्री अपॉन टू की तो जो डिनोमिनेटर में है वो इधर जाके न्यूमरेटर में चला जाएगा जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा और वेरिएबल अपनी जगह रहेगा तो टू अपॉन थ्री भी अपनी जगह टू इधर आके न्यूमरेटर में आ गया डिनोमिनेटर से और थ्री न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में आ गया तो अब कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है ऊपर नीचे तो ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे की नीचे तो एल कितना आ जाएगा टू टू ज फोर अपॉन थ्री थ्री नाइन इज द आंसर नेक्स्ट पार्ट नाउ जे पार्ट इज टू बी अपॉन थ्री माइनस फाइव इक्वल्स टू थ्री तो देखिए ये पूरी वेरिएबल वाली टर्म हुई तो फाइव को हमें इधर ले जाना पड़ेगा माइनस का है फाइव उधर जाके कहा का हो जाएगा प्लस का तो टू बी अपॉन थ्री इक्वल्स टू थ्री प्लस फाइव तो ये कितना आ जाएगा टू बी अपॉन थ्री एज इट इज और थ्री प्लस फाइव हमें पता है एट होता है अब बी के साथ टू अपॉन थ्री की मल्टीप्लाई है तो थ्री इधर जाके न्यूमरेटर में और टू डिनोमिनेटर में आ जाएगा बी इक्वल्स टू एट अपनी जगह थ्री न्यूमरेटर में आ गया और टू डिनोमिनेटर में अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे टू वन जी टू टू फोर जो एट तो b कितना बज गया फोर मल्टीप्लाइड बाय थ्री तो b की वैल्यू आ गई फोर थ्री जेल्व इज द आंसर